Hey guys, what's up? So here I am, your educator Megha. And guys, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस. सो आई होप यू आर इंटरेस्टेड फॉर टुडेज क्लास. यस. तो गाइस, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम लोग एसिडिक और बेसिक नेचर को कंपेयर करेंगे, वेदर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो या कोई अल्कोहलिक ग्रुप हो या कोई हमारे पास अमीन लगा है या कुछ भी लगा है. इफ वट एवर द ग्रुप वी हैव, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू फाइंड आउट देयर एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर. सो दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन गाइज. दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यू जस्ट लुक आफ्टर, एंड दिस इज माई रेफरल कोड बाई विच यू कैन बाई द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. यू विल गेट एडिशनल 10% ऑफ. सो लेट अस बिगिन विद द क्लास गाइज. ऑर्गेनिक एसिड्स को के एसिडिक कैरेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो अ कंपाउंड इज सेड टू बी मोर एसिडिक. पहला केस मैं आपको बता रही हूँ ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए, कि अगर हमारे कंपाउंड्स के अंदर रेजोनेंस है एंड इफ देयर कॉन्जुगेट बेस इज गेटिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज, दे विल बी मोर एसिडिक. तो अगर आपने ये चीज देख ली, यू विल गेट योर आंसर. ओके, तो क्या देखना है हमें? वी हैव टू लुक आफ्टर कि जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है, एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स, तो जब वो प्रोटोन डोनेट कर देंगे दे विल फॉर्म द कॉन्जुगेट बेस. अगर वो कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबलाइज हो रहा है, ओके, तो वो फर्दर हमारे उस प्रोटोन से रिएक्ट नहीं करेगा और वो मोर स्टेबिलिटी में आ रहा है, तो मीन्स इट हैज लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, इट इज लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी मोर एसिडिक. लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो दिस इज फिनोल, दिस इज इथेनॉल. इन द फिनॉल यू हैव दिस, वी नो दैट दिस इज अ पोलर प्रोटोन. ठीक है, अब ये जो बना हमारा, ये बना कॉन्जुगेट बेस, दैट इज नोन एज द फिनोक्साइन आयन. अब ये जो फिनोक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. हाउ? बिकॉज इट इज अंडरगोइंग रेजोनेंस विद दिस बेंजीन रिंग. ओके, आपने इथेनॉल देखा, इथेनॉल पे व्हाट यू आर लुकिंग, कि ये है हमारा CH3CH2O नेगेटिव, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है. इवन ये जो इथाइल ग्रुप है, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, ये बल्कि हमारे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है. तो अल्टीमेटली ये तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम कर रहा है. क्यों कम कर रहा है? देखो, ये तो प्रोटोन दे ही नहीं पाएगा, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओवर द ऑक्सीजन आइटम. ऑक्सीजन इज हाइड्रोजन, जो मोर पॉजिटिव है उसके साथ बॉन्ड वापस बना लेगा. Getting my point. तो देखो, मैं आपको बताती हूँ फॉर द एसिडिक कैरेक्टर आपको क्या क्या आना चाहिए. अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हो, तो यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ रेजोनेंस. आपको रेजोनेंस की नॉलेज होना, इंडक्टिव की नॉलेज होना, और तीसरा आपको हाइपोकॉन्जुगेशन की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गाइस, कोई भी स्पीशीज हमारा एसिडिक, मतलब जब कोई भी स्पीशीज हमारा ये एच पॉजिटिव कब देगा? जब आप इससे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करोगे. विड्रॉ मतलब जब इस पे कोई माइनस आर ग्रुप लगा होगा, या इस पे कोई माइनस एच ग्रुप लगा होगा, या कोई माइनस आई ग्रुप लगा होगा. ओके, अगर माइनस आर लगा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, तो स्ट्रांगली एसिडिक, देन आफ्टर यू कंसीडर हाइपर कॉन्जुगेशन, देन आफ्टर कंसीडर इंडक्टिव इफेक्ट. लेकिन अगर कोई, अगर इस एच पॉजिटिव को आप करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे अगर कोई रिलीजिंग ग्रुप है, तो दिस हाइड्रोजन विल नो मोर बी पॉजिटिव. अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा एंड ये ब्रेक नहीं हो पाएगा. Getting my point? तो चलो, now let's look after this this question. तो यहाँ पे phenoxide ion बना, which is undergoing resonance. तो ultimately negative charge stabilize हो गया. Okay? तो हमारा ये species easily अपना proton दे देगा. इथेनॉल में आप कंपेयर करो, इफ वी ब्रेक दिस बॉन्ड, इसने एच पॉजिटिव दिया, दिस यहाँ तो बल्कि हमारा प्लस आई इफेक्ट लगा है. तो बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई है, सो दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, दिस विल नॉट ब्रेक. Okay, so this is more acidic than the ethanol. The another example, benzoic acid and the ethanoic acid. Guys, अगर आप structure draw करते हो, तो you find that कि इतना वाला part तो दोनों structures में ही है ना? तो दोनों ही अगर हमारे protons देंगे, तो they will be getting the resonance stabilized. यहाँ पे ये भी proton देगा, तो ये भी हमारा resonance stabilized हो जाएगा. But what about the group? अब यहाँ पे लगा है मेरा plus I group. ओके, जो इलेक्ट्रॉन देता है, और यहाँ पे ये क्या लगा है मेरा, आप ध्यान से देखो, सो दिस इज अ माइनस आर इफेक्ट.
हाउ? बिकॉज इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन. हाउ? देखो, एक तो रेजोनेंस हो रही है, ऊपर से दूसरा आप क्या देख सकते हो कि अगर आप इस वाले इस बेंजीन के कार्बन को देख रहे हो, तो बेंजीन का कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड यहाँ पे इस मिथाइल का कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो आप कंपेयर करो इनके हाइब्रिडाइजेशन में, तो वी नो दैट s यहाँ पे परसेंट ऑफ s कैरेक्टर इज मोर. तो जैसे जैसे परसेंट ऑफ s कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. सो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इट विल विड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ओके, सो दैट्स हाउ हमारा बेंजोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन इथेनॉइक एसिड. गाइज, इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही है, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू. अदरवाइज अगर आप इसे पूरा लेक्चर देखोगे तो एवरीथिंग एवरी माइन्यूट थिंग विल बी क्लियर टू यू गाइज. अब हमारा एक नेक्स्ट केस. अब यहाँ पे हमने क्या देखा, देर इज नो रेजोनेंस. दीज आर द स्पीशीज विद मी. ठीक है, अगर मैं इनसे पूछती हूँ कि वेदर दे आर एसिडिक और नॉट, यस गाइज, हियर द कार्बन एंड हाइड्रोजन, दो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल अगर हम इस हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं तो वी विल बी गेटिंग दिस एज अ स्पीशीज. इसे इस हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं तो दिस एज अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक करते हैं तो ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस. क्या इनमें से कोई भी कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है? नहीं. ओके, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी पे तो हम लोग इसे आंसर नहीं कर पाएंगे. देन हाउ दिस कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबिलाइज्ड एंड कैसे बताएं दैट विच वन विल बी मोर एसिडिक? आंसर मैंने आपको बताया हुआ है, बट मैं समझाती हूँ आपको. देखो गाइज, यहाँ पे हमारा विड्रॉइंग नेचर है. देखो, दिस कार्बन इज मोर विड्रॉइंग इन नेचर. व्हाई? बिकॉज दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड. ये वाला कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है. सो बिकॉज ऑफ मोर sp हाइब्रिडाइजेशन मींस परसेंट ऑफ s कैरेक्टर इज 50. यहाँ पे आपका 33.33% ऑफ एस कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर हुआ. तो सबसे ज्यादा परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन इज वेरी वेरी हाई. सो बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब आप इंडक्टिव इफेक्ट बताओ क्या होता था. इंडक्टिव इफेक्ट हमारा पोलैरिटी तो चेक करता था. अगर हमारे पास कोई एटम है जो डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच्ड है, एंड इफ दिस एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इट विल विड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना. तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन पे देयर विल बी मोर पॉजिटिव चार्ज, तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. तो वही यहाँ का रीजन है, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट विल विड्रॉ द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस बॉन्ड एंड दिस हाइड्रोजन विल ब्रेक फर्स्ट. ओके, सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा दैट विल बी द वीकेस्ट. ठीक है, बिकॉज आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे हैव वीक कॉन्जुगेट बेस. तो अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया वो होगा ये, तो दिस इज अ वीक कॉन्जुगेट बेस. ओके, गॉट इट. सो नाउ द थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी यही है कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे और वो हमारे एनायन को स्टेबलाइज कर रहा है, सो दैट इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर. और प्लस आई ग्रुप हमारा क्या करता है, वो तो इलेक्ट्रॉन्स बल्कि रिलीज करता है, और रिलीज करने से वो हमारे कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा. देखो कैसे, जैसे ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड जब अपना प्रोटोन दे देगा इट विल फॉर्म दिस एज अ कॉन्जुगेट बेस. अब आप देखो ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहा है या डीस्टेबलाइज. यहाँ पे इसने भी अपना प्रोटोन दे दिया तो बनाया CH3CO नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस. नाउ विच कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबलाइज? यहाँ पे हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज तो डीलोकलाइजेशन में यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये मैटर नहीं करता. अब हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है ये हाइड्रोजन एंड ये वाला मिथाइल. अब आप देखो ये क्या कर रहा है, ये जो हाइड्रोजन है इट इज हैविंग अ प्लस आई इफेक्ट बट वेरी पुअर प्लस आई इफेक्ट. ये इलेक्ट्रॉन देगा बट बहुत पुअरली देगा, है ना. और ये जो मिथाइल है ये तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बिकॉज ऑफ दी हायर प्लस आई इफेक्ट. तो जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आया, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप एनायन को डिस्टेबलाइज कर रहे हो. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी एंड डिस्टेबिलिटी? आई थिंक आपको पता होगा, स्टेबिलिटी मीन्स न्यूट्रलाइजेशन. दिस मीन्स अगर आपके पास कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसको इलेक्ट्रॉन्स दो तब वो स्टेबल होगा. अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो प्लीज आप उसे और इलेक्ट्रॉन्स मत दो,
है ना, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, आप उसे और इलेक्ट्रॉन्स देके और ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन रिच बना दोगे तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा. तो स्टेबिलिटी के लिए अगर यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो हम इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, ताकि ये स्पीशीज ज्यादा स्टेबल हो जाए. ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हमें विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए था, बट दिस इज मोर प्लस आई, सो दिस स्टेबलाइजेस दी एनायन. तो हमारा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किधर, बेस साइड, सो दैट विल बी मोर एसिडिक. ओके, सो दीज आर द वेज हाउ यू कैन डू दीज क्वेश्चंस. चलो नेक्स्ट एग्जांपल, Cl(CH2COH)CH3COH. मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है, दिस एंड दिस. तो देखो इसका जब प्रोटोन हम लोगों ने लूज किया, सो दिस विल बी द कॉन्जुगेट बेस, दिस विल बी द कॉन्जुगेट बेस. अब आप यहाँ पे देखो, दिस इज CH2CH2, इतना पार्ट तो सभी में सेम है, इतना पार्ट तो सभी में सेम है, एंड यहाँ पे भी हमारा इतना पार्ट सेम है. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस, कि यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे क्लोरीन है. नाउ वी नो दैट क्लोरीन हेलोजन्स के केस में वी ओनली अप्लाई द इंडक्टिव इफेक्ट, सो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट. तो अल्टीमेटली आप इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे हो, सो यू आर स्टेबिलाइजिंग दिस कॉन्जुगेट बेस. सो मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर. गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि अगर ये स्टेबिलाईज हो गया तो फिर ये फर्दर इस प्रोटोन से रिएक्ट करके बॉन्ड नहीं बनाएगा. मीन्स इफ दिस स्पीशीज हैज गिवन इट्स इलेक्ट्रॉन, मीन्स गिवन, सॉरी, इफ दिस स्पीशीज हैज गिवन इट्स प्रोटोन, अगर उसने एक बार प्रोटोन दे दिया, मीन्स दे दिया, नाउ इट इज अ मोर एसिडिक इन नेचर. नाउ गाइज, वी हैव टू लुक ओवर द केसेज ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस. ऑर्गेनिक बेसिस में एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, दैट इज अमीन काइंड ऑफ कंपाउंड RnH2. तो गाइज, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, मोर विल बी द बेसिक कैरेक्टर. देखो नाइट्रोजन मेरा होता है जिसके ऊपर लोन पेयर होते हैं जनरली, तो क्योंकि लोन पेयर है तो इट इज बेसिक इन नेचर. अब आप क्या कर रहे हो, अगर आप इस बेस पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब आप इसकी बेसिक प्रॉपर्टी और बढ़ा रहे हो. ओके, सो अ कंपाउंड इज बेसिक इन नेचर इफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड कैन स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस. अगर कोई बेस है तो बेसिस आर प्रोटोन एसेप्टर्स, तो ये प्रोटोन एसेप्ट करेगा, तो व्हेन इट एसेप्ट्स द प्रोटोन, तो प्रोटोन एसेप्ट करके ये क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड. तो जो हमारा कॉन्जुगेट एसिड है अगर वो स्टेबल हो रहा है तो दैट विल बी मोर बेसिक, मीन्स इसने प्रोटोन अगर एसेप्ट कर लिया तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया अब इस प्रोटोन के साथ. तो अगर हमारा कोई बेस प्रोटोन एसेप्ट कर रहा है और प्रोटोन एसेप्ट करके उसका कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, सो दैट कॉन्जुगेट एसिड मस्ट बी मोर स्टेबल. तो बेस के लिए आपको कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को चेक करना है. ठीक है, अब देखते हैं कैसे स्टेबिलाइज हो रहा है. लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ ग्वेनिलीन. ये हमारा ग्वेनिलीन होता है, आप देख सकते हो बस तीन तीन नाइट्रोजन्स हैं जिसकी वजह से ये बेसिक है. नाउ विच नाइट्रोजन इज मोर बेसिक, तो गाइस अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला लोन पेयर हमारा रेजोनेंस में जा रहा है, ये वाला लोन पेयर हमारा रेजोनेंस में जा रहा है. तो अल्टीमेटली द नाइट्रोजन, ओके, विच इज SP2 हाइब्रिडाइज्ड, SP एक लोन पेयर भी है, सो ओनली द नाइट्रोजन विच इज मोर SP2 हाइब्रिडाइज्ड इज मोर बेसिक. पहली बात तो ये है ना कि ये जो नाइट्रोजन है जो ज्यादा SP2 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट इज मोर बेसिक, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे यहाँ आ जाएंगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है, आउट ऑफ ऑल दीज नाइट्रोजन्स विच नाइट्रोजन इज मोर बेसिक इन नेचर. ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब क्योंकि ये बेस है तो विच नाइट्रोजन इज फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन राइट नाउ, ये वाला नाइट्रोजन. तो ये अगर हमारा एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं तो वी विल बी गेटिंग दिस एज अ कॉन्जुगेट एसिड. अब क्या ये एसिड हमारा स्टेबल है? यस गाइस, ये स्टेबल है. कैसे स्टेबल है देखो, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस पाई बॉन्ड विल नीड टू डीलोकलाइज ओवर देयर एंड दिस विल गेट रेजोनेंस स्टेबलाइज. ओके, तो यहाँ पे हमारा वही फैक्टर है, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, एंड ओपोजिट वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, सो डेफिनेटली दिस पाई बॉन्ड विल गिव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दिस एंड वी विल बी गेटिंग द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन लाइक दिस. ठीक है, सो इट इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस. अब मैंने आपसे पूछा RnH2, R2nH, R3n, नाउ आउट ऑफ ऑल दीस व्हिच इज मोर बेसिक, तो गाइस ऑफ कोर्स नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स होने चाहिए तभी बेसिक होगा. ठीक है, सो वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर थिंग. अब व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन, तो अब आप देखो अगर ये नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक कब होगा,
जब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप बोलोगे इसमें तो सिर्फ एक ही आर ग्रुप है देने वाला, हेयर वी हैव टू एल्काइल ग्रुप्स, हेयर वी हैव थ्री एल्काइल ग्रुप्स, तो सबसे ज्यादा बेसिक इसे होना चाहिए बिकॉज इट हैज दी हाईएस्ट डेंसिटी. ओके वेरी गुड. तो एज पर यू आपने बोला थर्ड विल बी मोर बेसिक देन सेकेंड देन फर्स्ट, बट गाइज इट विल गेट रॉन्ग. Why? क्योंकि बेसिक होना चाहिए, आई डू अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम अगर हमारा नाइट्रोजन तीन बल्कि बल्कि ग्रुप से अगर हमारा हेड को है तो ये क्या अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा? इसका इलेक्ट्रॉन पेयर तो स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया तो वो तो दे ही नहीं पाएगा. ओके सो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाइट्रोजन एटम हैविंग दी थ्री बल्कि ग्रुप्स, अगर नाइट्रोजन के पास जैसे बल्कि बल्कि ग्रुप्स लग रहे होंगे देन दी अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस ड्यू टू द स्टेरिक इफेक्ट. तो अब इस वाले अमीन की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट दिस मस्ट बी मोस्ट बेसिक, अब इसकी स्टेरिक इफेक्ट की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर टर्शियरी अमीन्स आर दी वीकेस्ट बेसिस देन दी सेकेंडरी एंड इवन दी प्राइमरी अमीन्स. यस गाइज, और अगर आप अमीन्स और अमोनिया में कंपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली अमीन्स विल बी मोर बेसिक देन दी अमोनिया, क्योंकि अमीन्स में वी हैव एन एल्काइल ग्रुप विच इज इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है, बट इफ यू आर कंपेयरिंग इन बिटवीन दी अमीन्स देन ऑलवेज रिमेंबर जो हम टर्शियरी अमीन को कंसिडर करते हैं कि ज्यादा बेसिक होना चाहिए वो ज्यादा बेसिक नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट स्टेरिक फैक्टर. ओके सो सेकेंडरी अमीन विल बी मोर बेसिक, यस बिकॉज यहाँ पे दो दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, देन आफ्टर प्राइमरी एंड देन आफ्टर टर्शियरी अमीन. सो दिस इज द रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ द अमीन्स. ठीक है, लेकिन अगर आप अमीन में और अमोनिया में कंपेयर कर रहे हो तो ऑफकोर्स अभी भी मैंने आपको बताया, सो इफ यू आर कंपेयरिंग बिटवीन दी अमीन एंड दी अमोनिया तो अमोनिया में वी जस्ट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे लोन पेयर के साथ साथ वी हैव अ ग्रुप विच इज इंक्रीजिंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द नाइट्रोजन, सो दैट देर विल बी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ओवर द नाइट्रोजन टू डोनेट. ओके सो बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस. नाउ द नेक्स्ट इज द एरोमेटिक अमीन. सो व्हाट डू यू मीन बाय द एरोमेटिक अमीन गाइज? अगर हमारा अमीन रेजोनेंस में जा रहे हैं, आप देखो इन दोनों अमीन्स को कंपेयर करो, दिस इज एलिफेटिक अमीन, दिस इज द एरोमेटिक अमीन. सो व्हाट वी कंपेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया एंड यहाँ पे नाइट्रोजन पे वी हैव अ ग्रुप विच इज प्लस आई इफेक्ट, तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो और ज्यादा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी. तो यहाँ तो हमारा लोन पेयर बल्कि लेस अवेलेबल है, there we have less availability of the lone pair. Why? Due to the resonance, it is undergoing resonance. Hence it is less basic. But यहाँ अगर आप देखोगे so this is the group which has more plus I effect, ये तो और ज़्यादा electron density बढ़ा रहा है. So this will be more basic. So I hope you understand the cases of amines. ठीक है, now this is the another question. अगर मेरे पास दो तरह के amines हैं, this and this, तो हाउ, अब देखो मैंने क्या किया, दिस इज एरोमेटिक अमीन, दिस इज एरोमेटिक अमीन, द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है बिकॉज वी नो दैट ये जो ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इट विल बी मोर बेसिक. तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक ग्रुप लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है नाइट्रोजन पे, बट द पोजिशंस आर डिफरेंट, दिस इज एट ऑर्थो एंड दिस इज एट पैरा. अब ध्यान से देखो किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है, किसकी वजह से ज्यादा बढ़ेगी? तो गाइज ऑफ कोर्स ये जो ऑर्थो एंड पैरा पे जो हमारे सब्सिट्यूएंट्स लगते हैं, क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है ये जो लगते हैं दे विल बी मोर, दे विल इंक्रीज दी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन जो हमारा NH2 है वो कैसा ग्रुप है, वो एक प्लस आर इफेक्ट शो करता है एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द ऑर्थो एंड पैरा. बट अगर आपको कंपेयर करना है विच इज इंक्रीजिंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द ऑर्थो एंड पैरा देन डेफिनेटली ऑर्थो. व्हाई? बिकॉज गाइस इसकी वजह से क्या लग रहा है, इसकी वजह से लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, सो दिस इज मोर क्लोज टू द नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कैन विथड्रॉ, मतलब दिस ग्रुप कैन गिव मोर इलेक्ट्रॉन टू द नाइट्रोजन, बट क्योंकि दूर हो गया तो इसकी जो डोनेटिंग पावर है वो कम हो गई. ओके सो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, सो दैट्स व्हाई ऑर्थो विल बी मोर बेसिक देन द पैरा. नाउ गाइज कई बार हमारे पास ऐसा भी होता है दैट वी हैव अ प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप्स, तो NO2 ग्रुप इज बेसिकली अ विड्रॉइंग ग्रुप. ओके तो ये क्या कर रहा है, ये तो बल्कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा विड्रॉ कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी प्रेजेंस में बेसिक कैरेक्टर और कम होगा.
presence of minus I group like NO2 at ortho and para position, it will decrease the basicity. Why guys? क्योंकि देखो ना, ये जो हमारा नाइट्रोजन है, ये इट विल अंडरगो रेजोनेंस. जब ये हमारा रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो नाइट्रोजन का एन डबल बॉन्ड और ओ है, ये भी यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है. ओके, तो ऑर्थो और पैरा पे ही हमारा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता था, अब यहीं पे हमने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो नाउ दिस विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो लोन पेयर तो बहुत ही लेस अवेलेबल हो गए. तो ऑर्थो और पैरा पे अगर आपने माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप लगाया, तो डेफिनेटली बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज. अब अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से में ज्यादा बेसिक कैरेक्टर कम होगा, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, बिकॉज दिस इज मोर क्लोज टू द नाइट्रोजन, है ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा. ओके, और ये थोड़ा दूर है, ये कम करेगा. सो इन दैट सिनेरियो दिस विल बी मोर बेसिक. अब ये हमारा ज्यादा बेसिक हो जाएगा. वाई? क्योंकि यहाँ से विड्रॉ तो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया एज पर दी माइनस आई इफेक्ट अगर आप कंसीडर करते हो तो, ठीक है, तो दैट्स वाई. अदरवाइज अगर आप रेजोनेंस के बेसिस पे बोलोगे, तो डेफिनेटली दोनों ऑर्थो और पैरा दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस इक्वल होता है. रेजोनेंस के बेसिस पे यू कैन नॉट कंपेयर बिटवीन दी ऑर्थो एंड पैरा. ओके, बट हेयर इट इज मोर बेसिक बिकॉज ऑफ दैट सर्टेन रीजन. अगर आप इसमें इंडक्टिव, अगर इनके हिसाब से पूछा जाता है तो, ठीक है, तो दैट विल बी मोर बेसिक. नाउ दिस इज द लास्ट फैक्टर गाइस. अगर हमारे पास कोई एन एल्काइलेटेड एनिलीन्स है, तो हाउ विल यू कंपेयर देम विद द एनिलीन व्हिच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस और व्हिच विल बी अ वीक बेस? देन डेफिनेटली गाइस देखो, इतना वाला पार्ट तो हमारे में सेम ही है ना, इतना वाला पार्ट सेम ही है. सो दिस इज अ बेस, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यस, ये जो लोन पेयर्स है, दे आर लेस अवेलेबल बिकॉज दे आर अंडरगोइंग रेजोनेंस. तो वो तो यहाँ पे भी जा रहे हैं, बट द थिंग इज, ये जो हमारे पास सब्सटीट्यूटेड एल्काइल ग्रुप है, दिस इज इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर दिस नाइट्रोजन. सो अल्टीमेटली मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ओवर दिस नाइट्रोजन. ओके, सो दैट विल बी मोर बेसिक. ओके, एंड देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं आपको अगर बोलूँ कि ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा. वाई? क्योंकि जब भी हमारे पास कोई इस तरह का ग्रुप लगा होता है, तो ड्यू टू दिस स्टेरिक फैक्टर, ये जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा. क्योंकि एक आपने बेंजीन लगा दिया, एक आपने बड़ा सा कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया. तो जब बड़ा सा आप कोई एन एल्काइलेटेड, मतलब आप नाइट्रोजन पे ही ग्रुप लगा रहे हो, यू आर नॉट पुटिंग एनी ग्रुप ओवर दी बेंजीन रिंग, आप नाइट्रोजन पे एक बड़ा सा ग्रुप लगा रहे हो. तो एक नाइट्रोजन का साइज वैसे ही इतना छोटा सा होता है, जिसमें से एक हाइड्रोजन हो गया, एक बेंजीन हो गया, ये लोन पेयर है जो देने वाला है, और यहाँ पे आपने एक बड़ा सा आर ग्रुप लगा दिया, तो डेफिनेटली ये लोन पेयर इस पर रेजोनेट ही नहीं कर पाएगा. सो अल्टीमेटली अगर ये रेजोनेट नहीं कर पाएगा ड्यू टू दिस स्टेरिक फैक्टर, दिस मींस दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अवेलेबल ओवर दिस नाइट्रोजन, सो इट विल बी मोर बेसिक. ओके, तो हेंस इट इज मोर अवेलेबल फॉर द प्रोटॉन. ये बहुत आराम से इस एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा. Because it is less in resonance. So always remember guys, N-alkylated anilines are always the stronger bases than the normal aniline. So with this, the topic gets over. So I hope aapko is video se samajh aaya ho ki hum log organic compounds mein acidic aur basic nature ko kaise understand kar sakte hain. Yes guys, agar aapko resonance aur aapko inductive factor aata hai, to definitely you can understand the acidic and the basic strength. Thank you so much for joining. We'll see you in the next video. Till then, you please subscribe to my channel and don't forget to hit like to this video, and yes, press the bell icon so that you receive the notifications timely. Thank you guys. We'll see you later. Bye.